नमस्कार प्रिय साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनवीरा एजुकेशन पर आज मैं आप लोगों के बीच फिर से रीजनिंग की एक बेहद शानदार क्लास लेके आया हूं और आज की इस क्लास में साथियों हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है श्रेणी और श्रेणी में संख्या श्रेणी हमने कंप्लीट कर लिया है और इसका भी पार्ट वन बेसिक हमने समझा है आज हम बहुत ही शानदार प्रश्न हल करने वाले हैं और ये दूसरा वीडियो है अक्सर श्रेणी का साथियों ये प्रश्न राजस्थान पुलिस और पटवार और आर आर पी एन टी पी सी ग्रुप डी इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग के टॉपिक है इन एग्ज़ामों में और एग्जामों में अगर रीजनिंग के टॉपिक है तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है तो इसलिए साथियों शेयर कर दीजिए आज की क्लास को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने वीडियो को आप शेयर करो और उसके बाद अन्य मित्रों तक भेजने के बाद ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा साथियों तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने है आपका पहला प्रश्न क्या है साथियों अच्छे से देखिए सी एफ सी एफ एल सी एफ एल कोमा उसके बाद है साथियों ई e आई के और उसके बाद है आपका जी एल जे जी एल जे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पे बताना है क्या चीज़ आएगी यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है साथियों जे ओ जे ऑप्शन नंबर बी है आई ओ आई ऑप्शन नंबर सी क्या है साथियों आपका है जे के जे एंड ऑप्शन नंबर डी है साथियों के जे के अच्छे से प्रश्न देख लीजिए आप स्वयं भी अपना मूल्यांकन करने के लिए इस प्रश्न का साथ में उत्तर देते चलिएगा साथियों तो करते हैं इसका हल इसके लिए आपको क्रम याद होना चाहिए अक्सर विशेष की स्थिति अक्सर विशेष का स्थान 100% आपको याद होना चाहिए तभी ये प्रश्न आप अच्छे तरीके से हल कर पाओगे तो यहाँ पे देखो साथियों सी उसके बाद है एफ फिर है एल फिर है ई e, आई और फिर है के फिर है जी एल और जे उसके बाद है क्वेश्चन मार्क तो सी कितने नंबर पे आता है साथियों तीन एफ छः पे आता है एल कितने पे आता है बारह पे ई e, साथियों पाँच पे आता है आई नौ पे आता है के e, ग्यारह पे जी सेवन पे है एल कितने पे है साथियों बारह पे और जे दस पे तो यहां पर क्या चीज समझनी है समझनी ये है कि तीन से पांच पांच से सात तो सात से क्या होगा देखो साथियों यहां पे दो जुड़ा यहां पे भी दो जुड़ा यहां से यहां तक जाने में फिर दो जोड़ना पड़ेगा तो नो आएगा आगे अच्छे से समझ में आ गया छह से नौ तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया साथियों तीन जोड़ा नौ से बारह तक पहुंचने के लिए साथियों आपने क्या किया तीन जोड़ा तो बारह से यहां तक पहुंचने के लिए साथियों तीन जोड़ना पड़ेगा बारह और नौ कितना होता है साथियों पंद्रह होता है अच्छे से देख लीजिएगा अगर इनका क्रमांक आपको याद नहीं है तो हंड्रेड परसेंट यह प्रश्न सही नहीं होगा क्योंकि क्रमांक याद है तो कम टाइम में यह प्रश्न हल हो जाएगा बारह से ग्यारह हुआ साथियों प्लस बारह से ग्यारह माइनस वन है प्लस नहीं है क्योंकि घट रहा है बढ़ नहीं रहा है माइनस का वन ग्यारह से दस हुआ साथियों फिर माइनस वन तो दस से यहां तक पहुंचने के लिए माइनस वन करूंगा बारह से एक कम किया ग्यारह ग्यारह से एक कम किया दस दस से एक कम करूंगा साथियों क्या आ जाएगा नो और यही अपना उत्तर है लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पे नंबरिंग याद होनी चाहिए आई नो ई जो टी के अकॉर्डिंग ओ पंद्रह और फिर आई नो तो आपका राइट आंसर क्या होगा साथियों आई ओ आई आई ओ आई आपके ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है अच्छे से स्क्रीन ले लीजिए आज खूब सारे प्रश्न ऐसे ही करने वाले हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत ही शानदार सारे प्रश्न और एग्जामों में आए हुए प्रश्न हैं इसलिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा साथियों आज की इस क्लास को प्रश्न क्या है अच्छे से देखिए एफ एल पी प्रश्न नंबर आपका दूसरा एफ एल पी और उसके बाद क्या है साथियों आई एन एस उसके बाद है एल पी वी और यहाँ पर है क्यूशन मार्क और आपके सामने चार ऑप्शन आपके जो आगे आने लायक है या नहीं ओ आर वाई ओ आर वाई ऑप्शन नंबर बी है साथियों पी क्यू एक्स पी क्यू एक्स ऑप्शन नंबर सी है साथियों आपका एन एस जेड एन एस जेड एंड ऑप्शन नंबर डी है साथियों आपका ओ एस एक्स तो बताएं कि राइट आंसर कौन सा होगा हल करने का तरीका वही रहेगा एप एल पी आई एन एस उसके बाद साथियों एल पी वी और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क करना क्या है नंबरिंग एफ सिक्स एल कितने पे आता है बारह पे पी पे आता है साथियों सोलह पे आई नो एन चौदह और एस कितने पे है उन्नीस पे एल कितने पे बारह पे पी कितने पे है साथियों सोलह और वी कितने पे है यू वी यानी ये बाईस अल्ट्रा वोलेट वे उसके अकॉर्डिंग बाईस पे आता है ये कौन वी तो छः से नौ हुआ नौ से बारह तो बारह से क्या यहां पे देखो तीन जोड़ू तब नौ नौ में में जोड़ू जोड़ू तब बारा। बारा में तीन जोड़ू तब साथियों कितना दो है साथियों से सोलह हो रहा है साथियों का, दो है 16 है प्लस का दो। तो सोलह से यहां तक पहुंचने के लिए प्लस दो यानी अठारह आएगा अपना यहां पे. फिर आगे बढ़े तो सोलह से उन्नीस साथियों प्लस का तीन उन्नीस से बाईस प्लस तीन क्योंकि बाईस तीन जोड़ूंगा तभी पहुंचेंगे तो 22 से यहां पहुंचने के लिए साथियों प्लस तीन और 22 और तीन होता है साथियों 25 22 और तीन होता है साथियों 25 और आपका राइट आंसर अगर मैं देखूं यहाँ पे तो ई जो टी ई जो टी के अकॉर्डिंग ये पांच है ये दस है ये पंद्रह है ये बीस है ये पच्चीस है तो ये है ओ कितने नंबर पे पंद्रह नंबर पे फिर आपको मैंने याद करवाया था पी क्यू आर सत्रह सोलह अट्ठारह ये है आर कितने नंबर पे साथियों अट्ठारह नंबर पे पच्चीस पे कौन है एक्स वाई जेड चौबीस पच्चीस और छब्बीस पच्चीस पे है साथियों वाई और यही आपका आंसर है ओ आर वाई ओ आर वाई कौन से ऑप्शन में मौजूद है साथियों ऑप्शन नंबर ए में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बहुत शानदार प्रश्न है सारे ही और ये बेहतरीन प्रश्न आपको कम टाइम में हल करना है तो यही तरीका है नंबरिंग याद कर लीजिए साथियों सीधा हल हो जाएगा नहीं तो एक और तरीका आपको समझा दूं कैसे करना है साथियों एफ एल पी एफ एल पी उसके बाद आई एन एस उसके बाद एल पी वी ये कितने पे आता है साथियों छः पे ये बारह पे पी कितने पे है सोलह पे आई नो एन चौदह एस उन्नीस एल बारह पी कितने पे है साथियों पी है आपका पी क्यू यानी सोलह वी कितने पे है बाईस तो देखो नौ से छः से तीन जुड़ा तब नौ नौ से बारह तो यहाँ पे पंद्रह बारह से चौदह चौदह से सोलह तो यहाँ अठारह सोलह से उन्नीस तीन जुड़ा उन्नीस से तीन तो यहाँ पर बाईस और तीन पच्चीस यही आपका आंसर है यानी पच्चीस पे कौन आता है सॉरी पंद्रह पे कौन आता है इजोटी के अकॉर्डिंग ओ यहाँ पर अट्ठारह पे कौन आएगा साथियों आर और पच्चीस पे कौन आएगा एक्स वाई यानी ओ आर वाई आपका आंसर आप ऐसे भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं अगर ये सारी लाइनिंग आप में अच्छे से क्लियर नहीं हो तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर तीन की बात करते हैं और सारे ही प्रश्न बेहतरीन हैं और प्रैक्टिस के लिए भी आपको इसी वीडियो में सारे वो प्रश्न मिल रहे हैं एक ही टाइप के हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करने की ताकि अपने एग्जाम से पहले अपन वो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर कर सकें तो देखिए साथियों क्या है ए ई आर प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न नंबर तीसरा ए आर -E ए आर -E के बाद क्या आया है वो सुनिए साथियों डी आई टी डी आई टी उसके बाद है साथियों जी एम वी क्या है जी एम वी और यहां पर है आपका फिल इन द ब्लैंक्स राइट आंसर क्या होगा बताइए ऑप्शन नंबर ए जे एक्स क्यू ऑप्शन नंबर बी साथियों ऑप्शन नंबर बी जे क्यू एक्स जे क्यू एक्स ऑप्शन नंबर सी है साथियों आपका क्यू जे एक्स क्यू जे एक्स एंड ऑप्शन नंबर डी है साथियों एक्स जे क्यू चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद है आपको बताना है कि इन चारों में से राइट आंसर यहाँ पर कौन सा होगा तो अच्छे से देखिए ए ई e, आर ए ई, e, आर साथियों डी आई टी उसके बाद जी एम वी और उसके बाद यहाँ पर है खाली जगह ए की पोजिशन एक है साथियों ई e, पांच पे आता है और पी क्यू आर पी क्यू आर यानी ये है सत्रह ये अठारह और ये सोलह तो आर कितने पे है साथियों अठारह पे डी चार आई नो टी बीस जी सेवन एम तेरह और यू वी यानि ये बाईस क्योंकि यू वी डब्ल्यू अल्ट्रा वॉयलेट इक्कीस बाईस और तेईस अब आपको यहाँ पे क्या आएगा वो रिजल्ट बताना है साथियों तो कैसे करना है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या जोड़ा आपने तीन फिर यहां से यहां तक पहुंचने में क्या जोड़ा साथियों तीन तो यहां से यहां तक पहुँचने में फिर तीन जोड़ूंगा तीन जोड़ूंगा तो क्या आएगा दस उसके बाद साथियों पांच से नौ तक पहुंचने में आपने कितना जोड़ा चार नौ से तेरह तक पहुंचने के लिए साथियों आपने क्या जोड़ा चार तो तेरह से आगे बढ़ूंगा तो कितना जोड़ूंगा चार और तेरह और चार कितना होता है साथियों सत्रह अब बात है इसकी हो गई अंतिम अट्ठारह से क्या हो रहा है बीस प्लस दो बीस से कितना हो रहा है साथियों बाईस प्लस दो बाईस से कितना प्लस दो यानी यहाँ पर क्या आएगा चौबीस और राइट आंसर भी आपका आ चुका है ई जो टी याद है तो ई जो टी अगर याद है तो पाँच दस दस पे कौन है जे सत्रह पे कौन है क्यू चौबीस पे कौन है साथियों एक्स जे क्यू एक्स जे क्यू एक्स ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट राइट आंसर है साथियों जे क्यू एक्स और ये भी चीज अच्छे से देख के लिखिएगा क्योंकि जल्दबाजी में जे एक्स क्यू क्योंकि जे क्यू एक्स का जे एक्स क्यू हो जाएगा या जे एक्स क्यू का जे क्यू एक्स हो जाएगा ये चीजें अक्सर देखने को मिलती है और आपको मालूम भी है स्क्रीनशॉट ले लिया है आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं और इसका चौथा प्रश्न लेते हैं आज के इस वीडियो का अच्छे से समझ में आ रहे हैं प्रश्नों को तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों और आगे भी शेयर करना न भूलिएगा प्रश्न है एस एच जी प्रश्न है चौथा एस एच जी एस एच जी साथियों फिर है आर आर के आगे क्या है आई एफ आर आई एफ उसके बाद है साथियों क्यू जे ई क्यू जे ई और उसके बाद है पी के डी पी के डी अभी खत्म नहीं हुआ साथियों क्योंकि आगे वाला चीज़ आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए बी ऑप्शन नंबर सी और डी बताइए ए के अकॉर्डिंग ओ एल सी आएगा क्या यहाँ पर इसके अनुसार ओ एल सी राइट होगा क्या साथियों उसके बाद में एम एन एम एन सॉरी एम सॉरी एन एम ई या फिर एन एल बी एन एल बी और फिर अंतिम ऑप्शन है आपका ओ एल सी ओ एल सी ओ एल ई है साथियों कंफ्यूज नहीं होवे प्रश्न में देखिए हैं कि आपको पता है कि एस की पोजीशन कौन सी है 19, एच आठ पे जी सेवन आर कितने पे हैं? पी क्यू आर अट्ठारह आई नो एफ सिक्स क्यू सत्रह जे कितने पे हैं साथियों तो जे की पोजीशन है ई जो टी ये दस पे है ई e, पाँच पे पी क्या है पी है आपका सोलह पी क्यू आर और के है ग्यारह और डी है चार तो कुल मिला के कहानी क्या बन रही है उन्नीस से अठारह अठारह से सत्रह सत्रह से सोलह सोलह से क्या हो जाएगा पंद्रह माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन आठ से नौ नौ से दस दस से ग्यारह ग्यारह से बारह प्लस वन प्लस वन प्लस वन फिर प्लस वन तो यहाँ पे बारह नंबर फिर से छः हुआ माइनस सा छः से पाँच माइनस पाँच से चार माइनस तो यहाँ से यहाँ माइनस यानी तीन आ जाएगा और ये राइट right आंसर क्या देगा पंद्रह पे कौन है ओ बारह पे कौन है के के बाद एल और तीन पे कौन है सी ओ एल सी ओ एल सी यानी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट right हो जाएगा साथियों अच्छे से देख लीजिए बहुत ही सरल तरीके से अपन इन प्रश्नों को कर सकते हैं लेकिन अपन क्या एग्जाम में ये चीजें याद नहीं होती है तो अक्सर प्रश्न करते तो हैं लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है आपको कम टाइम में इन प्रश्नों को हल करना है आगे बढ़ते हैं पांचवे है प्रश्न की ओर अभी तक अपन ने तीन तीन के युग्म वाले अक्षरों को हल किया तीन तीन के युग्म वाले अक्षरों को तीन तीन के युग्म जहाँ थे उनको अपन ने आगे वाला आंसर निकाला था अब चार चार का युग्म लेते हैं कितने का साथियों चार चार के युग्म वाले प्रश्न करते हैं और प्रश्न देखिए इसका प्रश्न आपका इस वीडियो का पांचवा प्रश्न देखिए क्या है कि ई एल एफ एल एफ एल एच एल एच ए साथियों आई एल आई एल जे ए और उसके बाद खाली जगह है साथियों और अंत में है एम एल एन ए और बताइए कि यहां पर कौन सा ऑप्शन राइट होगा चार ऑप्शन है पहला ऑप्शन है आपका आई एल एम ए आई एल एम ए ऑप्शन नंबर बी है जे के क्यू के जे के क्यू के और ऑप्शन नंबर तीन है जे के क्यू पी है साथियों और अंतिम ऑप्शन है जे पी के क्यू जे पी के क्यू बताएँ साथियों की राइट आंसर कौन सा होगा यहाँ पर देखें ई एल एफ ए उसके बाद है जी एल एच ए आई एल जे ए क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बताना है क्या आएगा एम एल एन ए साथियों ये प्रश्न इसलिए शानदार है क्योंकि यहाँ तक का जो संबंध है बीच में एक चीज गायब है अंत में भी उनका संबंध वही रहना चाहिए तो यहाँ पे पहले क्रमांक लिखते हैं ई पाँच एल बारह एप छ एक जी सेवन एल बारह एच एट ए वन आई नो एल बारह इजोटी में ये दस और ये एक यहाँ पर ये तेरह यहाँ पर है साथियों ये बारह पे एन है चौदह पे और ए है एक पे बहुत ही शानदार चीज़ साथियों क्या बारह और एक बारह और एक बारह और एक बारह और एक सब में है तो ये बारह नंबर और ये एक नंबर यहाँ पर कुछ दो चीज़ें आएगी वो देख लीजिए पाँच से सात हुआ प्लस दो सात से नौ प्लस दो तो नौ से यहाँ पहुँचने के लिए प्लस दो ही तो करूँगा साथियों यानी ये ग्यारह और ग्यारह से देखो तेरह हो रहा है ना बिल्कुल प्लस दो सही है फिर साथियों छः से आठ प्लस दो आठ से दस प्लस दो दस से दो प्लस करूंगा तो यहाँ बारह आ जाता है और दो से प्लस दो करते ही चौदह आ जाता है तो यही तो अपना आंसर है साथियों आंसर देखिए ग्यारह पे कौन है के बारह पे कौन है आई से के के बाद एल आता है एल बारह पे फिर बारह पे एल और फिर एक पे ए के डबल एल ए के डबल एल ए आपका राइट right आंसर होगा साथियों और अभी एक बार वापस देख लेते हैं अपने ऑप्शन कौन से ऑप्शन अपन ने चूज़ किए हैं तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन चेंज कर लीजिए आपका ये वाला ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है वो के डबल एल ए बिल्कुल सही है ये उसका रीज़न मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पर पाँच से सात सात से नौ नौ से ग्यारह ग्यारह से तेरह हो रहा है बारह और एक बारह और एक फिक्स चल रहा है और छः से आठ आठ से दस दस से बारह तो बिल्कुल यहाँ पे ग्यारह पे के बारह पे पी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ई जो टी ई जो टी के अकॉर्डिंग ये जे दस पे आई जे के एल यानी ये ग्यारह और ये बारह तो बारह पे तो आपके एल ही है फिर इस बारह पे एल और ए एक पे तो के डबल एल ए ऑप्शन चेंज कर लेना साथियों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या छः की और छठवा प्रश्न देखते हैं और सब चार चार के युग्म वाले प्रश्न हैं चार चार के युग्म यानी चार चार के समूह वाले अक्सर उनको कैसे हल करते हैं जैसे डी ई डब्ल्यू प्रश्न है साथियों डी ई डी के बाद ई सॉरी डी डब्ल्यू ई वी डी डब्ल्यू ई वी है उसके बाद एफ यू जी टी एफ यू जी टी एच एस टी आर एच एस टी आर और यहां पर है साथियों क्वेश्चन मार्क यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है अब इसका एक बार बिना ऑप्शन के अपन हल करते हैं कैसे D चार पे है W कितने पे है अल्ट्रा वॉलेट वेव तेबीस पे E पांच पे है अल्ट्रा वॉलेट यानी ये बाईस पे F सिक्स U कितने पे है साथियों U V और W याद रखिएगा दिमाग में इक्कीस बाईस और तेबीस U कितने पे है इक्कीस पे जी सेवन टी बीस एच एट एस उन्नीस टी बीस आर कितने 18 पे तो साथियों आगे वाला क्या ऑप्शन अपना आएगा बिना ऑप्शन के कर रहे हैं हाल देखिएगा चार से 6 से आठ आठ से दस क्योंकि यहाँ पे दो जुड़ रहा है प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर देखो साथियों यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए माइनस दो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए माइनस दो तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए फिर माइनस दो उन्नीस में से दो गए कितने बचेंगे साथियों सत्रह अब देखिएगा पांच से सात से कितना हो रहा है साथियों सात से हो रहा है आपका बीस वापस एक बार देख लेते हैं एस एस आई है साथियों यहाँ पर टी नहीं है आई है और क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से अपन को दिखाई दे रहा ना पाँच से सात प्लस दो सात से नो प्लस दो तो नौ से यहां तक पहुंचने के लिए प्लस दो करना पड़ेगा तो कितना होगा साथियों नौ और दो ग्यारह अच्छे से देख लीजिएगा यहाँ पे आई क्यों क्या है क्योंकि प्रश्न में आई है और यहां पर नौ आएगा ना कि बीस क्योंकि क्रम नहीं टूटना चाहिए और अंत में देखो बीस बाईस से हुआ बीस यानी माइनस दो फिर बीस से हुआ अठारह फिर माइनस दो अठारह से साथियों सोलह तक पहुंच जाएंगे वापस रिपीट कर दू चार से छह दो आठ दो फिर दस दो हो गया बिल्कुल तेबिस में तेबिस तेईस में से दो घटाया इक्कीस इक्कीस में से दो घटाया साथियों उन्नीस उन्नीस में से दो घटाया सत्रह और पाँच से सात सात से नौ नौ से ग्यारह साथियों बाईस बाईस से कितना हो रहा है बीस अंतिम अक्षर की बात करता हूँ ये अंतिम अक्षर यहाँ पे ये है बाईस ये है बीस ये है अट्ठारह तो यहाँ पे जो आएगा वो सोलह होगा इसकी पोजिशन जे ये है क्यू ये है के और ये है पी और ये आपका आंसर है साथियों के क्यू पी के सॉरी जे क्यू के पी जे क्यू के पी आपका क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये आपका छठा प्रश्न है साथियों अब इसको एक और तरीके से अपन हल कर सकते हैं कौन से तरीके से साथियों डी डब्ल्यू ई वी फिर एफ यू जी टी इनको क्रमबद्ध तरीके से ऐसे भी लिख सकते हो आप ऐसे लिखने के बाद इनका नंबरिंग चार तेबीस पाँच यू वी बाईस देख लीजिए एफ सिक्स ये इक्कीस जी सेवन ये बीस एच एट उन्नीस आई नो पी क्यू आर पी क्यू आर ये अठारह पे चार छः आठ यहाँ पे दस आएगा तेईस इक्कीस उन्नीस यानी यहाँ सत्रह क्योंकि यहाँ पे प्लस दो या माइनस दो फिर यहाँ प्लस दो देखिए साथियों और यहाँ माइनस दो तो कितना आओ सोलह और यही तो आंसर आया था जे क्यू के और पी जे के क्यू पी अच्छे से ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पूरा ताकि कोई डाउट नहीं रहे आपके दिमाग में आगे वाले प्रश्न नंबर सात की बात करते हैं साथियों सातवां प्रश्न इसी प्रकार का है और ये प्रश्न दिखने में हमेशा ही जटिल लगते हैं लेकिन अगर क्रमांक याद हैं तो अच्छे से हल करने में कोई टाइम नहीं लगेगा प्रश्न सुनिए साथियों प्रश्न है इसका Z प्रश्न नंबर सात जेड सी जेड के बाद क्या आ रहा है साथियों C फिर है बी ए उसके बाद है साथियों आपका वाई एफ वाई एफ ई डी वाई एफ ई डी उसके बाद है साथियों जी एक्स आई एच जी और आपके लिए यहाँ पर खाली स्थान है चार ऑप्शन भी सुन लीजिए इस प्रश्न के ऑप्शन दे देते हैं आपको ऑप्शन है आपका पहला W एल के एम W एल के एम ऑप्शन नंबर बी है साथियों डब्ल्यू जे W जे के एल डब्लू जे उसके बाद के एल और ऑप्शन नंबर सी क्या है डब्ल्यू के एल जी डब्ल्यू के एल जे और लास्ट ऑप्शन नंबर इसका डी है साथियों डब्ल्यू एल के जे शानदार प्रश्न है ऑप्शन भी बिल्कुल ऐसे नजदीक वाले मिलते हैं जिसके कारण हमेशा ही अपन जल्दबाजी में गलती कर आते हैं और ये गलतियां आपको नहीं करनी है साथियों यहाँ पर देखो Z C B E उसके बाद है Y F E D उसके बाद है X I H G यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क्स साथियों जेड छब्बीस सी तीन बी दो ए एक वाई है साथियों पच्चीस एफ सिक्स ई फाइव डी फोर एक्स है साथियों चौबीस ये नौ एच एट जी सेवन तो सीधी कहानी है यहाँ से यहाँ पच्चीस चौबीस तो यहाँ तेबीस होगा साथियों तीन से तीन से कितना हो रहा है साथियों अच्छे से देखिएगा तीन से छः प्लस तीन छः से नौ प्लस तीन तो नौ से प्लस तीन कितना होगा साथियों बारह दो से पाँच दो से पाँच यानी प्लस तीन पाँच से आठ साथियों प्लस तीन आठ से प्लस तीन करूँगा तो कितना आ जाएगा ग्यारह उसके बाद एक से कितना हुआ साथियों चार प्लस तीन चार से कितना हुआ सात प्लस तीन सात से कितना प्लस तीन तो क्या आ जाएगा दस और राइट आंसर क्या बनेगा तेबीस पे कौन है यू वी डब्ल्यू बारह पे कौन है आई जे के, के, के बाद एल फिर ये के और दस पे कौन है जे डब्ल्यू एल के जे डब्ल्यू एल के जे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा बिल्कुल राइट होगा साथियों आपको वापस अच्छे से समझा दो देखिएगा जेड सी बी ए इसके नीचे ये लिखते हैं वाई एफ ई डी उसके बाद लिखते हैं साथियों X I H G अपन को इसका क्रमांक याद है 26 ये है साथियों 25 ये है 24 तो यहाँ पर तेबीस आएगा सी तीन पे एफ सिक्स पे आई नौ पे 3 प्लस हो रहा है यहाँ पर तो माइनस एक चल रहा था यहाँ पर प्लस तीन तो देखो I I के बाद अगर प्लस 9 करूँगा तो 12 तक पहुँच जाऊँगा फिर यहाँ पे बी दो ई पाँच और एच एट फिर देखो प्लस तीन हो रहा है साथियों तो आठ और तीन ग्यारह होता है ए एक डी फोर जी सेवन यानी फिर प्लस तीन हो रहा है साथियों तो ये दस हो जाएगा तो इसका नंबरिंग देखते हैं तेईस पे कौन है यू वी डब्ल्यू बारह पे कौन है साथियों जे आई जे आई जे और के ये आई नो no, जे कितने पे है दस के ग्यारह एल कितने पे है साथियों बारह ध्यान रखिएगा बारह पे कौन है एल ग्यारह पे कौन है के और ई के अकॉर्डिंग जे है दस पे डब्ल्यू एल के जे डब्ल्यू एल के जे आपका राइट आंसर होगा अच्छे से समझ के लिखिएगा साथियों प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है एक और प्रश्न देखते हैं इसी का एक और प्रश्न देखते हैं साथियों और के का स्थान ग्यारहवा है K के बाद एल आता है ये चीज़ दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा क्यू सत्रह पे है तो क्यू से पहले पी और क्यू के बाद आर आता है तो इनके भी नंबरिंग याद रखनी है आपको क्योंकि क्यू क्यू से पहले पी तो पी सोलह पे क्यू सत्रह पे और आर अट्ठारह पे ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या आठ देखते हैं साथियों क्या है W सॉरी बी डी बी डी एफ एच बी डी एफ एच उसके बाद है साथियों I, I K M O I K M O उसके बाद क्या है साथियों P R T V P R T V और यहां पर है क्वेश्चन मार्क ऑप्शन ए बी और सी और D ऑप्शन ए में है साथियों W Y A C W Y A C ऑप्शन नंबर बी में है W एक्स वाई ए डब्ल्यू एक्स वाई ए ऑप्शन नंबर सी है डब्लू एक्स वाई जेड साथियों एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका डब्ल्यू वाई ए जेड डब्ल्यू वाई ए जेड बताएं साथियों कि इसका आगे वाला क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा बी की पोजिशन दो डी चार एफ सिक्स एच एट आई नौ के ग्यारह एम तेरह ओ पंद्रह पी क्यू सोलह ये कितने पे हैं पी क्यू आर ये अठारह टी बीस यू वी यानी बाईस करना क्या है साथियों से नौ दो से 9 9 से, से सोलह सात जोड़ा है देख लीजिए यहाँ पे भी सात जुड़ा है यहाँ पे फिर सात जुड़ेगा सात जुड़ेगा तो सोलह और सात कितना हो जाएगा साथियों तेबिस कितना हो जाएगा तेबिस तेबिस ही होता है ना फिर चार से ग्यारह हुआ साथियों सात चार ग्यारह फिर 11 से 18 हुआ साथियों प्लस सात 18 से यहाँ पहुँचूंगा प्लस सात करूँगा प्लस सात करूँगा तो 25 हो जाएगा साथियों 6 से 13 प्लस का सात 13 से 20 प्लस सात बीस से प्लस सात कितना आएगा साथियों 27 लेकिन 27 अक्सर नहीं होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में 8 से 15 हुआ साथियों 8 से 15 प्लस सात पंद्रह से बाईस प्लस सात और बाईस और सात जैसे ही जोड़ूंगा साथियों कितना हो जाएगा तेबीस पच्चीस सत्ताईस और फिर सात बाईस में जोड़ूंगा तो कितना होगा उनतीस एक बार अपन इस तरीके से करते हैं इसे बी डी एफ एच आई के एम ओ पी आर टी वी और यहाँ पर क्या आएगा बताना है बी की पोजिशन है साथियों आपके दो डी चार एफ सिक्स एच एट आई नो के ग्यारह एम तेरह ओ पंद्रह पी कितने पे है साथियों सोलह आर कितने पे है अठारह टी बीस और यू वी ये बाईस पे अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ साथियों यहाँ से यहाँ तक पहुँचे प्लस का साथ यहाँ से इस पूरे में भी प्लस सात इस पूरे में भी देखो और छत कितने होते हैं तेरह तेरह और सात बीस अठारह और सात आठ और सात कितने होते हैं तो पंद्रह पंद्रह और सात बाईस तो पूरे क्रम में क्या चीज़ चल रही है प्लस सात चल रही है तो जोड़िए यहाँ पर सोलह और सात कितने होंगे साथियों सोलह और सात तेईस अठारह और सात कितने होंगे साथियों अठारह और सात पच्चीस फिर प्लस सात यहाँ करूंगा कितना आएगा सत्ताईस यहाँ पे प्लस सात करूंगा कितना आएगा उनतीस लेकिन ये आपका आंसर निकालने में सहायता नहीं कर सकता कैसे क्योंकि तेबीस पच्चीस सत्ताईस और उनतीस आप कहोगे सर ऐसा तो देखा ही नहीं अरे ऐसा नहीं देखा तो ये तो देखा है ना तेबीस पच्चीस फिर छब्बीस के बाद फिर से गिनती शुरू हो गई छब्बीस के बाद सत्ताईस यानी ये एक और उनतीस उनतीस वापस काउंटिंग शुरू करेंगे छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस यानी ये तीन नंबर कारण समझ में आ गया होगा ना आपको साथियों सत्ताइस छब्बीस के बाद एक जोड़ा छब्बीस के बाद कितना जोड़ा है एक तो सत्ताईस होता है और छब्बीस में कितने जोड़े मैंने तीन तो कितने होंगे उनतीस अब इसका आंसर देखते हैं तेबीस पे कौन आता है यू वी डब्ल्यू पच्चीस पे कौन आता है एक्स वाई और जेड यानी वाई आता है एक पे कौन है ए और तीन पे कौन है सी डब्ल्यू वाई ए सी डब्ल्यू वाई ए सी आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट right है अच्छे से स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा और ये वाला क्रम यहां पे समझाया मैंने अच्छे से आपको समझ में आया होगा सत्ताईस का कैसे प्लस का वन यहां पे क्यों लिखा क्यों छब्बीस के बाद सत्ताईस उनतीस छब्बीस के बाद 27 28 और उनतीस तीन होता है तो यू वाई जेड यानी पच्चीस पे वाई है ये ए है और ये सी है ये आपका ऑप्शन नंबर राइट होगा साथियों साथियों अब आगे बढ़ रहे हैं साथियों और आपके बोर्ड पे एक प्रश्न प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है ये वाला प्रश्न ऐसे प्रश्नों की अगर बात करूं तो अक्सर एग्जाम में मिलते हैं और इन प्रश्नों में बहुत बाहर अपन गलती कर जाते हैं लेकिन इनका हल करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको समझाता हूं क्या करना है इस प्रकार के जब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिले साथियों तो आप सबसे पहले कुल अक्षरों की गिनती कर लीजिए कुल अक्षरों की क्या करें गिनती अब इस गिनती के अंदर साथियों रिक्त स्थान भी शामिल है जो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे भी तो अक्षर आएगा तो वो रिक्त स्थान भी शामिल करें और फिर क्या करना है फिर साथियों आपको कुल अक्षरों की संख्या जो कुल अक्षरों की संख्या है उसके अंदर उसके अंदर आपको क्या करना है जिस का भाग जाता है जिस जिस का भाग जाता है वो देना है आपको जिस जिस का भाग जाता है वो देना है ठीक है यानी यहाँ पर टोटल अक्सर आ गए जैसे पंद्रह आई तो पंद्रह के अंदर दो तीन का भाग जाता है पाँच का जाता है तो जिस जिस का भाग जाता है एक बार आप नीचे लिख लीजिएगा और ये वाली जो चीज़ है ये वाले युग्म ये वाले यानी ये वाले जोड़े आपको इस प्रश्न को हल करने में सहायता प्रदान करेंगे जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे पंद्रह ही लें तो तीन और पाँच यानी पंद्रह अक्सर है तो इसमें तीन तीन के जोड़े या पाँच पाँच के बनेंगे साथियों तो यही चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ टोटल गिनती करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और बारह यानी ये बारह इस बारह में दो का भाग जाता है साथियों तीन का भाग जाता है चार का जाता है और छः का जाता है यहाँ पर जो ये बारह है इस बारह में इन चार चीज़ों का भाग जा सकता है लेकिन आपको तो बताना है इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा अपन कैसे करते हैं अक्सर एग्जाम में ए यहाँ पर बी है उसके बाद बी डबल ए फिर बी फिर बी एग्जाम में अपन जैसे ही ऑप्शन देखा अपन यहाँ पे कहेंगे यहाँ बी बी फिर ए बी रख देते हैं अब जैसे यहाँ पर मैं कोशिश करें अपन दो दो के युग्म बनाने की तो ए बी 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 ए डबल ए यानी ऐसा कोई युग्म आपको नहीं दिखाई दे रहा इसकी वजह से तो ये ऑप्शन ऑलरेडी गलत तीन तीन का युग्म बना के देख लो ए डबल बी डबल बी ए बी यानी यहाँ पर वापस ये रिपीट होता है तो अपन कह देते हैं, बिल्कुल सही है इसका अर्थ है कि और अक्सर आप एग्जाम में सबसे पहले पीछे से चेक करें यानी छेछे के जोड़े बनाए साथियों कितने के छेछे के इसमें सबसे बड़ा कौन है छे ही है तो मैं छेछे के युग्म बनाऊंगा तीन और तीन छे यहां पर एक लाइन खींच रहा हूं तीन इधर तीन इधर इधर भी छह हैं उधर भी छह हैं यानी ए चार बार बी फिर ए ए ए यहां पर तीन बार ही बी आ रहा अगर यहां पे साथियों ऑप्शन के बेस पे भी नहीं जाना है सीधा उत्तर बता दूं मैं आपको छह छह का युग्म बनाया यहां पर बी आ जाए यहां पर भी साथियों बी आ जाए तो ए बी बी फिर बी फिर बी यानी ए के बाद चार बार बी फिर ए ऐसे कैसे यहां पर चार बी आ रहे हैं तो बीच में यहां पर भी चार बी आने चाहिए साथियों तो यहां पर देखो यहां पर भी बी और यहां पर भी बी चाहिए तो कुल मिला के ये चार बार बी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा बिना ऑप्शन के बी आप युग्म बना के इन्हें हल कर सकते हैं ये चीज़ आपको समझनी है एग्जाम में आप ऑप्शन के बेस पे कंफ्यूज हो जाओगे हंड्रेड पर जोड़े कैसे बनाने हैं वो ध्यान रखना साथियों के दो के तीन के चार के या छः के आप पीछे से शुरुआत करिएगा कि पहले छः का युग्म बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा या नहीं एक बड़े युग्म के रूप में आराम से स्पष्ट कर पाएंगे फिर चार से फिर तीन से फिर दो से ऐसे करने वाले हैं तो एक और प्रश्न करते हैं इसी का अच्छे से यह आपको समझ में आया स्क्रीन जरूर लीजिएगा प्रश्न संख्या दस की ओर बढ़ते हैं और दसवा प्रश्न इसी टाइप का है और एग्जामिनर जरूर ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में देता है और रेलवे में तो विशेषकर ये प्रश्न देखने को मिलते हैं साथियों प्रश्न नंबर दस क्या है कि ब्लैंक है और फिर है डबल बी एम उसके बाद फिर ए एम बी उसके बाद क्या है साथियों उसके बाद है एम फिर ब्लैंक है अच्छे से देख लीजिए प्रश्न को फिर ए फिर डबल बी अभी यहाँ पे देखेंगे टोटल है कितने और किसका भाग देने से अपना काम हो जाएगा तो चार ऑप्शन क्या है एम बी एम बी ए बी एम साथियों फिर ऑप्शन नंबर बी है आपका ए बी एम ए बी एम ए बी ऑप्शन नंबर सी है साथियों बी एम ए बी ए एम एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका ए एम बी बी एम ए एम बी बी एम अच्छे से देखिएगा इसका सॉल्यूशन अपन करने वाले हैं टोटल पहले गिनती करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह यानी पंद्रह में साथियों तीन का भाग जाता है और पांच का जाता है या तो युग्म तीन के होंगे या पांच पाँच के होंगे पहले एक बार पाँच पाँच के युग्म बना लेते हैं साथियों डबल बी एम चार ये हो गया फिर ये ब्लैंक यहाँ पे चार पांच पांच का युग्म बना रहा हूँ ए एम बी ब्लैंक एम ये पांच का युग्म फिर ए, ए ब्लैंक ए फिर ब्लैंक है और फिर डबल बी अब देखते हैं अपना कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सटीक तरीके से सही बैठता है एम ऑप्शन ए टेस्ट कर रहा हूँ एम बी ए बी एम इससे बहुत इजी हो जाता है प्रश्न को हल करना एम डबल बी एम बी एम बी एम और यहाँ पर देखो साथियों बी यानी ऐसा तो कोई क्रम ही नहीं बन रहा है इसके अंदर अगर तीन तीन के युग में ले लें साथियों कितने के तीन तीन के ये तीन ये तीन फिर ये वाला तीन और ये तीन और अंतिम दो तीन तो यहाँ पर एम रखा मैंने यहाँ पर बी रखा यहाँ पर ए रखा साथियों और यहाँ पर बी और यहाँ पर एम चलो कोई ऑप्शन के अनुसार चल रहा है तो फिर यही रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एम डबल बी एम बी एम डबल बी होना चाहिए था जो चीज़ है नहीं यहाँ पे साथियों तो अब देखें दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें तो ए बी एम ए बी फिर क्या है साथियों यहाँ पर भी रख देता हूँ ए बी एम ए बी एम ए बी ये कहानी है यहाँ पर देखो ए डबल बी एम बी ए डबल बी होना चाहिए था साथियों जो कि यहाँ पे नहीं बन रहा है तो पाँच पाँच का युग में भी देखते हैं ए डबल बी एम बी ए डबल बी यहाँ तो कहानी ऐसी है ही नहीं डबल ए बी ट्रिपल तीन बार आ रहा है ऐसा नहीं है तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ें एम ए बी ए एम यहाँ पर देखिएगा साथियों एम ए बी एम तो यहाँ पर क्या बनेगा एम डबल बी एम ए और यहाँ पर एम डबल बी एम डबल ए एम डबल बी एम डबल ए एम डबल बी बिल्कुल एक सीरीज़ बन गई है साथियों सीरीज अब ये चीज़ें आप करने से क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये राइट आंसर है लेकिन राइट आंसर सीधा भी ज्ञात किया जा सकता है सीधा कैसे यहाँ पर इसके अंदर तीन तीन का जैसे ही बनाया तो देखा यहाँ डबल बी है अगर यहाँ डबल ए कर दूँ यानी यहां ए है यहां पे भी डबल ए कर दूं तो काम हो जाएगा फिर यहां पर बी आ जाएगा तो यहां क्या आएगा एम डबल बी के अकॉर्डिंग यहां एम होना चाहिए एम डबल बी फिर एम डबल ए फिर एम डबल बी एम डबल ए फिर एम डबल बी बन रहा है ना एक सीरीज आपको दिखाई दे रहा होगा इतना नहीं करके आप सीधा युग्म बना लीजिए युग्म बनाते ही आपका आंसर मिल जाएगा जैसे यहाँ पर मिला ना डबल बी डबल ए अंत में देखा और शुरुआती स्टेज पे देखा तो डबल बी डबल बी बिल्कुल एक युग्म बन रहा है यानी डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए और डबल बी ये सीरीज चल रही है तो राइट आंसर क्या कैसे चूज करोगे ये पहले एम फिर क्या आएगा ए फिर क्या आएगा साथियों बी फिर क्या आएगा ए और फिर क्या आएगा एम और ये सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एम ए बी ए एम नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल ये भी आपका राइट होगा लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा साथियों अन्यथा आप युग्म बनाइए और सीधा ही इसका क्या निकाल लीजिए पाँच पाँच का युग्म या फिर तीन तीन का युग्म कहीं बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाएंगे सर दो दो का युग्म क्यों नहीं एक एक को चेक करते हैं वो गलती आपको नहीं करनी है एक और प्रश्न देखते हैं और जो आज अपने इस सीरीज़ का अंतिम प्रश्न है और आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और शेयर और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा साथियों प्रश्न है ग्यारहवा आर आर के बाद एस सी आर के बाद क्या है एस सी फिर है ओ एस और फिर है यहाँ पे ब्लैंक फिर है आर ओ फिर है यहाँ ब्लैंक और यहाँ है ई अच्छे से देखिएगा प्रश्न बहुत ईजी है आर ओ एस ई सॉरी आर ब्लैंक एस ई ऑप्शन नंबर ए ओ आर ओ आर ई ओ आर ई एस ई ऑप्शन नंबर बी ओ आर ओ आर आर ओ आर एस ई एस ऑप्शन नंबर सी है साथियों आपका ओ ई एस आर एस ऑप्शन नंबर डी है वो है ओ आर ई एस ओ अब आपको मेरे को बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा और यहां पर तो एक बहुत ही सिंपल सी कहानी दिखाई दे रही है चार चार का युग्म चलेगा साथियों बिना जोड़े ही क्यों उसका रीजन बता दूं कि जब अंत में देखा तो यहां पर देखो चार चार आठ बारह और चार सोलह सोलह में किस किस का भाग जाता दो का चार का आठ का आठ आठ से काम पहले एक बार वो चेक कर लीजिए फिर चार चार के युग में बना के देख लीजिए फिर दो दो के युग में बना के देख लीजिए सब में वो चीज़ सटीकता के साथ बैठेगी आर ओ एस ई आर ओ एस ई आर ओ एस ई आर ओ एस ई बिल्कुल हो गया ना यहाँ पे तो रोज की स्पेलिंग है कंटिन्यू आर ओ एस सी आर ओ एस सी तो ओ आर ई एस ओ ओ आर ई एस ओ ओ आर ई एस ओ है साथियों ओ आर ई एस ओ ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी सही है ये भी जल्दबाजी में ये भी नहीं करें कि कहीं गलती नहीं हो जाए चार चार का युग्म बनाया सीधा ही आपके दिमाग में आ जाएगा कि यहाँ पर एस सी है यहाँ पे ई यहाँ पर आर है यहाँ पर आर यहाँ पर ओ है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ओ फिर आर ओ ऑलरेडी दिया है एस और ई हो जाएगा एस ई दिया है आर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओ तो अच्छे से अपन ने प्रश्न हल कर लिए हैं अक्सर श्रेणी के और अक्सर इसके अंदर एक और चीज़ मिलती है साथियों ए बी सी कभी ए से बी बी सी और सी से ए से बी बी से सी और सी से ए एक इस प्रकार का चक्र भी इसके अंदर देखने को मिलता है यानी जो प्रश्न मिलता है उसमें ए बी फिर बी सी और फिर सी ए ये युग्म भी अक्सर मिलते हैं तो इसे भी ध्यान से नोट करिएगा और उम्मीद करूंगा आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और शानदार प्रश्न अपन हल करेंगे तब तक अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें धन्यवाद साथियों